सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्दे सिद्धिविनायकं वन्दे सिद्धिविनायकम्। लक्ष्मी, एक 10 पैसा तेरे हाथ से मजदूरी अच्छी मिल जाएगी। लक्ष्मी लो लो, बस हाथ बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा होता है क्या शगुन? जरा मुंह तो दिखा। सचमुच की लक्ष्मी है मेरी गुड़िया। न जाने इस गरीब को झोपड़े में कैसे आ गई। ए दादू। हाँ। खाली पेट जाएगा? नहीं तो एक मिनट रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती है। जी भैया नमस्ते। क्या पैसा निकाल जल्दी। अरे पैसा पहले से निकाल के रखो। पैसा हफ्ता हफ्ता पहला भाई। पैसा निकाल। पैसा निकाल जल्दी। अरे ना छोटा लीजिए भैया लीजिए। हाँ ले भाई। अच्छा काकी एक वड़ा पाव दे दे बस। ए उधार बन, रुकड़ा पैसा दे, नहीं तो भाग। बस ये लास्ट है, कल सारा हिसाब चुकता कर दूंगा कसम से। अरे ये तो तू रोज कहता है, पैसा कहाँ से लाएगा? लॉटरी निकलने वाली है ना उसकी, 1 लाख रुपए की। देख तुझे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। चुप, हट्टा कट्टा मुस्टंडा है, काम क्यों नहीं करता है? अरे क्या, अरे जितनी मेहनत भीख मांगने में लगती है ना, काम करने में उसे कम लगती है, करके देख तो सही। क्या ले चाची? हाँ एक प्लेट पावड़ा और भजिया बना दे गर्मा गर्म। अभी बनाती हूँ। हाँ मगर एकदम तिखट बनाना, मेरे दादू को बहुत पसंद है। चल भाई जल्दी निकाल 10 रुपया। अरे काय का 10 रुपया निकालू? अरे दे दे बाबू, इसे सब देते हैं, ये राजा भैया का हफ्ता है। अरे ये क्या जाने, बाजार में नया आया है। अरे इसमें नई पुराने की क्या बात है, मैं किसी की दादागिरी को नहीं मानता, चाहे राजा हो या उसका बाप।
थी छोटे साले हराम का खाने वाले सब ऐसे भर पड़े इधर, कोई भौंकता है, कोई पूछ हिलाता है, कोई काटता है। राजा भैया लो चाची, उधार खाने वाले से पीछा छूट गया, अब फोकट का खाने वाले लोग आ गए। और राजा भैया नाश्ता कर लो। नहीं बैंक, ये सब खा। अरे मेरे को खा। अरे अरे ना तो चल चल चलो दादू। अरे ये तो भरा हुआ है। हाँ, प्रोफेसर साहब आज भी नहीं आएंगे, दो दिन की छुट्टी बढ़ा ली है। अच्छा अच्छा। जात का ही हलकट साला, देवी जैसी घरवाली है मुए की, फिर भी इधर उधर मुंह मारता फिरता है, हरामी। अरे बू कितने का दूं? दो रुपए का? नहीं, एक का। अरे रख ले इसे, शाम को बेनी लेके बालों में लगा लेना। क्या? मैंने कहा एक रुपए की बेनी ले लेना अपने लिए। क्यों? मैं क्या तेरी बहन लगती है जो तू मेरे को बेनी के लिए पैसे देगा? अरे रख लेना। खोटा सिक्का साला। हट। अच्छे आ गए दादू। ए दादू चल जल्दी से खाना खा ले। प्रोफेसर साहब छुट्टी पर है, अखा डिब्बा तेरे लिए रख छोड़ा है। क्या हुआ, आंग दुखता है? कितनी बार बोला है कम बोझा लिया कर, अब क्या इतनी मेहनत करने की उम्र है तेरी? दादू मेरी किस्मत तो थी झूठन खाने की, तेरे को तो राजनारी होना था, तू क्यों आई इस बूढ़े के पास? अब बस कर दादू, ले खा। मैं डब्बा लौटा कर पानी गर्म करती है।
नहाने से सारा दर्द चला जाएगा। ठीक है। बस बस हाँ। तो लीजिए भाइयों, हाजिर है आपकी खिदमत में तेलों का शहंशाह नयाब तेले आजम, लपक छपक तेल। हाँ तो भाई साहब, ये कौन सा तेल है? ये वो तेल है जिसका फॉर्मूला मेरे गुरुजी ने मुझे कल रात सपने में आके बताया। मेरे गुरुजी कौन? जटाधारी लपकेश्वर झपकेश्वर महाराज, जो गए 40 साल से हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तपस्या कर रहे हैं एक अंगूठे पे खड़े होकर। जानते हैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में कोई गंजा न रहे, किसी के बाल सफेद न हो, किसी के बाल गिरे नहीं, हमेशा खड़े रहे तेल लगाते। कौन सा तेल? ये तेल। कीमत 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, जो आप सिगरेट पी के फूंक देते हैं, पान खा के फूंक देते हैं। भाई साहब आया, भाई साहब, साहब मेरे पास ये छुट्टे नहीं है, मुझे 5 बोतलें चाहिए, 5। आराम हुआ ना दादू? सारा का सारा दर्द गर्म पानी से थोड़ी जाएगा। ये ले 2 रुपए, बस इतने की दारू पीना, उधार उधार करके मत आना। मेरा कोट ले आना। अल्लाह, जैसे दारू के अड्डे पे नहीं पिलाया जा रहा है। कोट कोट। ये ले। और 2 रुपए के दारू लिया। पैसे है जेब में? अरे पैसा तो मेरे हाथ का मैल है, तू लिया। रसीली भाई ने उधार देने को मना किया है। किसने? पूछ जा रसीली भाई से, कितने रुपए की दारू पी मैंने इस अड्डे पे? कम से कम 2 लाख रुपए। भरोसा नहीं? अरे कम से कम 2000 की तो पिए। क्या हुआ, 2 रुपए लेके भाग जाऊंगा? ग्राहक की इज्जत करो साले, अगर भरोसा नहीं ना, एक कोट रख, बड़ा अच्छा कोट है। ये ले। उधार की नहीं, कल्लू दादा ने भेजी है। हाँ। रसीली भाई, रसीली भाई, क्या तेरी बात है? क्या तेरा अड्डा है? क्या तेरी शराब है तेल लगा के? मैंने शहर के सारे अड्डे देख लिए, हर अड्डे पे गुंडागिरी मारा मारी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि तेरे अड्डे पे कोई किसी को उंगली उठा के तो क्या आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अबे तेरी तो कल्लो, रुको उधर। रसीली हट, इसको तो साले को मैं भी देखता हूँ। दादागिरी करनी हो तो अड्डे के बाहर। अच्छा, अब तू मुझे अड्डे से बाहर कर रही है? जब से वो साला राजा यहाँ आने लगा है, मेरी तरफ से तेरी नजरें बदल गई हैं, है ना? अरे ये जो राजा है ना रज्जू, अपने बचपन का यार है तेल लगा के। अरे ये जब पैदा हुआ था ना तो बिल्कुल गंजा था, सर पे कोई बाल नहीं थे। आज ये जो जुल्फों की बेल देख रही हो ना, मेरे तेल लगाने से है, है? अरे तुम्हें भी एक बोतल दे दूंगा, घर पे आके ले जाना। अब तेली की औलाद, तेरा तेल तो मैं निकालता हूँ साले हराम साले। क्या काम है, घर में बुलाता है? फिर से कहना जरा तू। राजा, राजा भैया। राजा, कब से इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर कर दी। मामा, गादी दे।
पहले पैसा। अरे आधी नहीं तो एक पावसर दे दे यार। बोला ना पहले पैसा रख। दद्दू बात बोलो। लोग बोलते हैं तू घटिया आदमी है, लेकिन आपन बोलते हैं राजा तू बहुत बढ़िया आदमी है। दरअसल अपन मर जाएगा, तुम खानदान दोगे ना। दद्दू तू अब घर जा, बहुत नशा हो गया है। नशा? अरे अपने को क्या नशा होगा, सुना नहीं खुशी हजार सही गम जुदा नहीं होता। गरीब कितनी भी पी ले नशा नहीं होता। आदा वर्दे तेरी समझ में नहीं आया ना पागल। अरे अपन ने कितना बड़ा बात किया है। हाय हाय खुशी हजार सही गम जुदा नहीं होता। गरीब कितनी भी पी ले नशा नहीं होता। पीछे फिर
छुड़ा दे हमारे अभी तक पैदा न ऐसा हुआ। हमारा चलता नहीं जोर जादू न अपना चला लक्ष्मी। क्या हुआ साहब? एक चिट्ठी लिख कर रखी थी। हाँ। पता नहीं कहाँ चले गए। जेब में तो नहीं रख ली? नहीं, जेब में तो नहीं रखी थी मैंने, यहाँ इसी सोफे पे रखी थी। पता नहीं कहाँ गायब होगी। गायब कहाँ होगी साहब, इधर ही किधर होगी। इधर किधर होगी। लौट कर कब भाई साहब? परसों आने वाले थे ना, दो दिन छुट्टी क्यों बढ़ा ली? वो घर में बड़ी पूजा थी, इस माह ने दो दिन रोक लिया। कैसी है माँ जी? अच्छी तो है ना, उनको साथ में क्यों नहीं लेकर आए? कहा तो था, बोली अगली बार आ जाऊंगी। आज पहला पीरियड फिर से मिस हो गया। हाँ। क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हारी चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी मिली कहाँ? घूमना साहब। घूमना क्यों? घूमना। ये तो गजब हो गया, मैं भागता हूँ। अरे रे साहब, सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? जरा रुको, मैं भी टोस्ट कॉफी बनाती है, खाकर फिर जाना। नहीं लक्ष्मी, वहाँ कॉलेज में लड़के लड़के शोर मचा रहे होंगे। चुप करके बैठो साहब, ऐसा भी कभी होता है इतना काम करना, न खाने का हिसाब न सोने का, एकदम बच्चे जैसी हालत है तुम्हारी। अब बहुत हो गया साहब, जल्दी से शादी बना डालो, मेम साहब आके तुम्हें संभाले तो मेरी जान छूटे। शादी? मुझसे कौन लड़की शादी करेगी,
कायको क्या कमी है तुम्हें साहब? आइला एकदम राजकुमार माफिक लगता है तुम। जो लड़की तुमसे शादी बनाएगी ना साहब, उसका तो भाग्य खुल जाएगा। हाँ अरे साहब सच कहती हूँ, मेम साहब आएगी तो ये घर घर बन जाएगा, फिर बच्चे होंगे उनके खेलकूद से घर स्वर्ग बन जाएगा। और जब चीखेंगे तो नर्क नहीं बन जाएगा? चीखेंगे काय को? मेम साहब नहीं होगी संभालने को, मैं नहीं होएगी। तुम संभालोगी मेरे बच्चों को? अरे काय को नहीं साहब, उनको मैं घुमाने ले जाएगी, उनको खिलाएगी, फिर उनको वो पोएम सुनाएगी, वो वाली जो मैंने आपको सुनाई थी ना साहब। एक दो तीन चार, एक था राजा एक थी रानी, राजा बेंगा रानी कानी, राजा रानी के बारह बच्चे आधे पक्के आधे कच्चे। एक बियर्डो किंग विजन। ये दारू की दुकान नहीं है भाई, दवा की दुकान। मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा दारू की जरूरत है। दवा से फायदा नहीं होता ना, इसके लिए दारू चाहिए। एक बियर। अरे बोला ना ये दारू की दुकान नहीं है। गोविंदा गोविंदा पीछे क्या कर रहा है? किधर है गोविंदा? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? गोविंदा दारू ले गई, मत तोड़ो मत तोड़ो। दारू की दुकान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे अरे कोई है? अरे अरे देखो ये गुंडे मुझे मार रहे हैं। अरे लूट रहे हैं। अरे कौन है रे साला, सारा नशा ही उतार दिया। क्या कहा? अबे झंडुओ, तुम दोनों के दोनों राजा भैया को नहीं पहचानते? राजा भैया? सेठ जी, चल पैसा निकाल। चैन घड़ी, जो नुकसान हुआ है इसे ठीक करवा लेना। अगर कुछ कम पड़ जाए तो ये अपने अपने घर से 500-1000 लाकर दे देंगे। क्यों? हाँ भैया, दे देंगे, बड़ी मेहरबानी भैया। ये भाई साहब 30 रुपए तुम्हारे। सुनिए, ये 30 रुपए अगले महीने के भी ले जाओ। अगले महीने के? अगले महीने? दो बार चाय गरम की साहब, अब नाश्ता करके खलास कर दो ना। कापी किताब उठा के सब बाहर फेंक देगी मैं। आराम से। ऐसा कभी हुआ है साहब कि खाया और गले में न लगा हो? पता नहीं साहब, मैं नहीं होगी तो तुम्हारा क्या होएगा? अभी भी मेरा कहना मान लो साहब, तुम शादी बना ही डालो। अरे ऐसा काय को देखता है, मैं ठीक बोलती है। देखो तुमको कोई संभालने वाला तो होएगा, दो टाइम घर का खाना मिलेगा, ये रोज रोज होटल का टिफिन। छी सच्ची साहब, कोई अच्छी सी लड़की देख लो और शादी बना ही डालो। लड़की एक देखी तो है? अल्लाह सच्ची क्या साहब, कौन है वो, किधर रहती है? तुमने उसे पूछा कि शादी बनाएगी?
अब ऐसे कहीं पूछा जाता है क्या कि लक्ष्मी तुम मेरे साथ शादी करोगी? अरे हाँ, ये भी तो है। ऐसा करो साहब, तुम उसको एक चिट्ठी लिख दो, मैं पहुंचा देगी, मगर सब कुछ साफ साफ लिख दो। क्या क्या? अहिला मैं क्या बोलेगी साहब, जो तुमको पूछना है। इससे तो अच्छा है क्यों ना माँ को एक चिट्ठी लिख दूं कि यहाँ के लड़की को देख ले, माँ की इजाजत भी तो चाहिए ना। हाँ ये बात एकदम ठीक है, मगर चिट्ठी लिखकर मेरे को देना। क्यों? तुम्हारा क्या पता साहब, फिर कहीं चिपका कर भूल जाएगा। दिखने में कैसी है? अच्छी तो है ना, गाना आता है कि नहीं? गाना? अरे साहब, बीवी को अच्छा खाना पकाना और अच्छा गाना तो जरूर आना चाहिए। मेरा दादू कहता है कि दादी जब भी दाल जला देती थी ना, तो दादू को एक गाना सुना देती थी, दादू का सारा गुस्सा यूं गायब हो जाता था। अच्छा। तुम्हें गाना आता है? ऐसा ही साहब, थोड़ा थोड़ा। वो भी नए चलन का नहीं साहब, पुराने टाइप का। कोई बात नहीं, वही सुना दो। तुम भी क्या साहब? सुनाती हो या नहीं, वरना मैं शादी नहीं करूंगा, कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अच्छा तुम उधर बैठो। ना जानू राम।
हो गया क्या? निकल बाहर। अबे खोलता है या तोड़ के घुस जाओ साले। अरे पहलवान दिखा रहे इसको। अभी दिखा था साले को। अरे आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अंदर साधना में बैठ के गुरुजी से पूछ रहा था कि तेल में और क्या क्या मिलाया जाए। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे तेल की, ये सब क्या है? ये देखो गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। अरे भाई गुच्छे निकल रहे हैं तो गुच्छे आएंगे भी। मेरे सर के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह चिकना हो गया है। इस पे घिसके तो तुम उस तरह की धार लगा सकते हो। अरे मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ। अरे भाई पुलिस के पास इसका इलाज थोड़े ही है। आप लोग मुझे पहले बताओ कि आपके बाल गिरने कब शुरू हुए। अरे पर मैं तो कल ही लड़की को देखने जाने वाला था, अब ये सर लेके मैं कैसे जाऊंगा? अरे भाई शुक्र मनाओ कि आप शादी की झंझट से बच गए तेल लगा के। देखो साले को मजाक सूझ रहा है। मैं तो कहता हूँ इसको पकड़ के वही तेल इसके सर पे मल दो। खबरदार कोई भी आगे बढ़े तो फाड़ के रख दूंगा। मुंह से आवाज निकाली तू? अभी अभी एक का खून करके आ रहा हूँ। इसका अगर कोई कुछ पूछे तो बोल देना कि तुम्हारे पति देव है। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ? ए, पंकज नहीं, वरना फाड़ के रख दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग कौन है? अंदर क्यों आए? देखिए हम लोग एक बदमाश को ढूंढ रहे हैं, उसके हाथ में एक टूटी बोतल है। टूटी हुई बोतल? और वो बोतल उसने एक आदमी को भोग दी है। अरे बेचारे को ज्यादा चोट तो नहीं आई? पता नहीं, अभी तो अस्पताल ले गए हैं। भगवान उसकी रक्षा करे। अब आप लोग जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं मैडम आप नाराज मत होइए, हम लोग जा रहे हैं। चलो भाई चलो 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 चलो। भाग गए तेल लगा के। अगर तू मेरा साथ ना देती ना तो मैं तुम्हारी भी छुट्टी कर देता। ए वापस आ वापस। क्या मेरे को ए बोला? ये क्या है? कोई भी गड़बड़ की तो फाड़ के रख दूंगी। मेरी बोतल कहाँ है? बकवास बंद बंद। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम एक महीने के लिए मेरे पति बनोगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मिनट के लिए मेरी पत्नी। चुप चुप चुप। नीचे से वो बैग निकालो। नीचे से क्या है उस बैग में? अभी पता चल जाएगा। निकालो चलो खोलो। ये सब क्या है? इधर लाओ इधर। उधर? अच्छा। ये हमारे धंधे के औजार हैं, ताले तोड़ने के लिए, सलाखें काटने के लिए, और अगर कोई बेवक्त आ जाए तो उसकी खातिर तवाजो करने के लिए। बस करो बस, समझ गया मैं सब समझ गया। ये कुछ चोरी डाके का मामला है, है ना? देखिए मैं आपको इसके लिए एक बहुत सही आदमी देता हूँ, उसका नाम है राजा। आप उसको अपना चाकू दिखा के काम निकाल लीजिएगा। भागने की कोशिश की तो पीपल से गिरा तो बबूल में अटका। इससे तो अच्छा होता वो ही लोग पकड़ लेते, कम से कम धुलाई करके छोड़ तो देते। अपुन जितना भी दारू पिएगा ना बराबर होश में रहता है। देखो ये दाया पाव मेरा। दद्दू अरे इधर नहीं इधर। हाँ ये बाया लेफ्ट। हाँ चलता हूँ। अरे दद्दू तेरा घर ये नहीं ये है। ऐसा क्या? दारू पीके तो तेरा होश ही उड़ जाता है। अरे तू क्या समझता है? बहुत पी ली तूने दद्दू, बहुत पी ली। अच्छा तू सो जा।
मैं जल्दा हूँ। अरे दद्दू, अरे बाबा, ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम जाके सो जाओ। जा। अरे मैं देखता था कि तुम कितने होश में है, होश में है, मैं भी होश में हूँ ना। मोहन राव, तू बहुत बेवड़ा है। हाँ, ए दद्दू, मैं तेरे को कितना पैसा दी थी? 2 रुपया है ना? फिर इतनी दारू किधर से पी? मैंने उधार नहीं पिया, तेरी कसम मैंने उधार नहीं पिया। हाँ, दोस्त मिला था, माना नहीं, मेरे को पूरी बोतल बुला दिया। पूरी बोतल? हाँ, अरे तो फिर काहे को दिन रात हड्डियां तुड़वाता है 2-4 पैसे के लिए? अगर हराम का माल पछता है तो जाना, तू भी दूसरे की मेहनत की खा, ले उन लोगों की हाय, चोरी कर, डाके डाल, खून चूस गरीबों को और मजे कर, मेहनत करने की जरूरत क्या है? चल 10 पैसा दे दे शगुन का। ए लक्ष्मी, अरे मुंह नहीं दिखाओगी क्या? बाप रे, घरासी छोकरा और इतना गुस्सा। ठीक है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। अरे बुरे आदमी की सोबत करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? अच्छा बुरा तो वक्त होता है बिटिया, आदमी नहीं, बुरे वक्त ही पता चलता है आदमी बुरा है क्या। अच्छा है न तो दादू, आया। चल चल चल, चलता है रे। देते जाओ, दिल खोल के देते जाओ, लावारिस लाश है, इसका कोई नहीं।
देते जाओ, देते जाओ भाई, देते जाओ, देते जाओ। अरे इसका कोई नहीं देते। साला हरकत लोग, शर्म नहीं आती तुम लोग को? अरे मैं क्या मर गई जो भीख के पैसे से अर्थ उठेगी मेरी दादू की? हरामी लोग, लुच्चे लोग, भागो यहाँ से। राजा भैया, राजा भैया, वो अपना मोहन राव था ना, वो गुजर गया है। वो अकेली लड़की बड़ी परेशान हो रही है, अर्थी उठाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। दिमाग चल गया है, इस छोकरी को अंदर ले जाओ। उठो लक्ष्मी, उठो, उठो बेटी, उठो, उठो। नहीं, नहीं, मेरी दादू की क्रिया किसी और के पैसे से नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी। चलो, चलो बेटी, दादू, चलो बेटी, अंदर चलो, दादू, चलो बेटी, चलो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठाकर ले जाएगी इसे? मोहन राव अपना आदमी था, हमारा दोस्त था, हमें ले चलना इसे। चरण, काठी बना, ताओ स्नान करा दो इसे। इस दुनिया की रेत यही है जो रुकता है, मिट जाता है, चलने को जो मंजिल मा बाहर। चलो जल्दी जल्दी, चलो इधर से। अरे काका, मेरा चप्पल काहे को तोड़ता है? ए, अरे अरे रोकी, अरे खड़ी के सारी तुले, चल सामान उठा, निकल यहां से साहब। साहब, ए मैं अकेली जान, मेरा घर ही निकाल दिया तो मैं किधर को जाएगी साहब? वो सरकार से पूछ, मुझे कुछ नहीं मालूम। चल सामान उठा वरना सब फूट जाएगा। चलो चरण, सामान हाथ गाड़ी में डाल और इसे घर ले जाओ। हटो 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 हटो। हाथ मत लगा मेरे सामान को, मेरे को नहीं चाहिए किसी का एहसान, मैं अपनी जगह खुद ढूंढ लेगी। पर लक्ष्मी, तू अकेली जान किधर जाएगी? साला, मेरी बोली मेरे को सुनाता है? अरे जाएगी मैं किधर भी, चेन्नू में जाएगी मैं, तेरे को क्या मतलब? सुन लक्ष्मी। अरे जा फुट इधर से। आया साला धन्ना सेठ, मेरे को सहारा देगा ये? अरे जा। Thank you.
बख्शी गाड़ी घुमाओ। अरे बड़ी ताकत है तेरे में, रोटियां बेच बेच कर करती आए। अरे नाकर लगता है तुम्हारे परिवार जा। अबे साले, ये तेरी माँ लगती है क्या? हाँ, मेरी माँ लगती है ये। रे रे रे, तब तो बड़ी भूल हो गई। खलू दादा, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दे कहता हूँ मैं। अरे छोड़, मैं कदम छोड़। अरे मत मारो उसे, अरे मत मारो। अच्छा भाई जी, देखा साले, तेरी इस हरकत से तेरी इतनी तकलीफ हो रही है। अब साले ओ, नहीं, नहीं। अबे साले राजा चरण, इसका सामान उठाकर गाड़ी में डाल और इसको बोल के चुपचाप हमारे घर चले। नहीं, मैं किधर नहीं जाएगी। चुप! आजा अंदर, आजा, आजा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। अरे देख, तू छोटी है मुझसे, पर मैं सबके सामने तेरे को मां बोला है ना, तो फिर चल। अच्छा
बोतल में दारू। अरे अब ये भी होना था मेरे साथ। राजा भैया, राजा भैया, उठो। अरे अरे मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो किधर की भी न रही। अब क्या करेगी मैं? अरे बुरा हो तेरा मुर्दार, कीड़े पड़े सत्यानाश हो तेरा छोटे। लक्ष्मी क्या हुआ लक्ष्मी? अरे देखो तो कोई हरामी मेरा स्टील का डब्बा चोरी करके भाग गया। जरूर उस वक्त की बात है जब दादू सड़क पर गिरा था। ओ, अब क्या जवाब देगी मैं डब्बे के मालिक को? किधर से भरेगी उसका पैसा? अरे कौन निकले तेरे हाथ में, भगवान तुझे समझेगा, गरीब की हाय लगेगी। वो जिसको कैसा डिब्बा था और बाजार से लाकर दे दे। मगर राजा भैया स्टील का डब्बा तो बहुत महंगा आता है, जितने पैसे थे वो सबके सब तो मोहन राव के क्रियाक्रम पे खर्च हो गए। ये ले, सेठ को बेच और पैसा उठा कर ला। मेरे को नहीं मांगते किसी का हराम का पैसा। हाँ हराम का पैसा? हाँ उसी हराम के पैसे से तेरे दद्दू की अर्थी उठाई गई थी, उसी हराम के पैसे से चिता जली थी उसकी, वरना म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठा कर ले जाती लाश को और फेंक देती किसी गटर में, समझी? अरे फेंक देती तो फेंक देती, तेरा क्या चला जाता। हाँ एहसान करके सुना रहे साला। अरे तू फिकर मत कर, तेरा एक एक पैसा चुका देगी मैं। हाँ बस मैं जाती है, टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। चरण बोल ले, तेरा दिन सोख के होते हैं, सबके डिब्बे वापस करके चुपचाप घर में बैठ जाए, पूजा शांति पाठ करे, ब्राह्मणों को तेरवी का खाना खिलाकर जिस चाहनों में जाना चाहती है चली जाए। बददिमाग साली, हद हो गई है। दादू गुजर गए और उसकी खबर देना मुझे जरूरी नहीं समझा, और मेरा वो डिब्बा खो गया है उसके पैसे चुकाने चली आई हो। ठीक है रख दो ये पैसे और चली जाओ यहां से, और दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ऐसा मत बोलो साहब, ऐसा मत लो, मगर मेरे पर इतना गुस्सा मत करो साहब। क्यों गुस्सा ना करूं बोलो, क्यों ना करूं गुस्सा? इतनी बड़ी बात हो गई, घर चला गया, चले कहां कहां भटक रही हो, और मुझे बताया तक नहीं। मैं सोची साहब
तुमको काय को तकलीफ दो? तकलीफ तो अब दे रही हो तुम मुझे। अभी की अभी जाओ और अपना सारा सामान लेकर सीधे यहीं चली आओ। मैं तार करके मां को भी बुला लेता हूं। ठीक है साहब, मगर ये दिन थोके हैं। ये तेरा दिन अगर मैं किधर बाहर जाएगी ना तो बस्ती वाले मेरे पर थूकेंगे। ये दिन निकल जाने दो, उसके बाद जो तुम कहोगे ना वो मैं करेगी। मैं बहुत बदनसीब लड़की है साहब, भगवान भी मुझसे रूट गया, अब तुम नहीं रूठना, नहीं तुम्हें गरीब लड़की किधर जाएगी। अपना ख्याल रखना साहब। सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? किधर खाया होगा, कोई कोई तुमको देखने वाला भी तो नहीं है। तुम जा सकते हो, नेम साहब ने तुम्हारी जमानत दे दी है। अच्छा, किसने? मैं अंदर ही थी, कूटे लगा के। अरे चल बाहर निकल, चल। एक ढेला तो कमा के दिया नहीं, ऊपर से जमानत के 2000 और ठुकवा दिए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं राजा को बुला देता हूँ। मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ तेल लगा के। आप मुझे लात मार के निकाल दीजिए। निकालूंगी, मगर ये 2000 और वसूल करने के बाद पुलिस के हाथ में कैसे आ गए? ऐसा कौन सा तीर मार लिया था तुमने? आप ही ने तो कहा था कि सिविल लाइंस में जाओ और पता लगाओगे कि किसके वहाँ से कितना माल मिल सकता है। तो मैं बिल्डिंग वन में चला गया। आपके घर में कितने लोग हैं? दो। उसमें से मर्द कितने हैं? मैं और मेरे पति। आपके घर में अलमारियां कितनी है? कबर्ड्स? चार। वो चार में से गोदरेज की कितनी है, स्टीलेज की कितनी है, लकड़े की कितनी है? वो कबर्ड को ताला लगने के बाद आसानी से खुल जाते हैं कि नहीं? खिड़कियां अंदर से बंद होने के बाद बाहर से खुल सकती हैं या नहीं? या रात को कोई आदमी लेट आए तो आप पिछले घर का दरवाजा खुला रखती हैं? आपका ज्वेलरी का बॉक्स आपने कहाँ रखा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? अब मुझे क्या पता था कि वो अंदर जाके पुलिस को फोन कर देगी? अकल बेच खाई थी, ऐसे पूछा जाता है क्या? मुझे क्या पता कि कैसे पूछा जाता है। मेरा काम है तेल बेचना, आपका काम है जेल भेजना। अगर मेरी इजाजत के बगैर कमरे के बाहर पैर भी रखा है तो हूँ मैं आपकी इजाजत के बगैर बाथरूम तक नहीं जाऊंगा। अरे कभी मौका देखकर थोड़ी मेहरबानी हम पर भी कर दो। मतलब वही जो राजा के साथ करती है। हलकट साला, छोड़ दे मेरा रास्ता। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं माँ। कुछ कैसे नहीं, तुझे फंसा रही थी क्या? अब जाने भी देना माँ। जाने कैसे दूँ, ये भले आदमियों की बस्ती है कि क्या है? तो और क्या, आखिर जवान बहु बेटियाँ हैं हमारे घर में। ए, ये चिनाल पर नहीं चलेगा, समझी क्या? अरे कोठा ही खोलना है तो कहीं और जाके खोल, बस्ती के भले लोगों को फंसाने का मतलब। किसको फंसा रही थी? तुमको? मेरे मुन्ने को फंसा रही थी। hey! सच्ची बात बोल लोगों को। No!
अपनी गुंडा गड्डी बजा कर रखो भैया, ये शरीफों का मोहल्ला है। इतनी जवानी चल रही है तो अपनी रखेल को लेकर और कहीं क्यों नहीं चले जाते? कौन बोला रे? मैंने पूछा कौन बोला? कौन है रे? ये क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलो। तुम घर जाओ। देखो अब और तमाशा मत करो। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ। कान खोल कर सुन लो सब लोग, आज के बाद अगर किसी ने भी लक्ष्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। सब कुछ चुप करा दिया है ना? हाँ, आज के बाद कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ओ, इज्जत करने लगेंगे ना सब मेरी, जैसे तुम्हारी करते हैं। बड़ी जंग जीत ली ना तुमने, तरह के लोगों की बोलती बंद कर दी। अब कोई मुंह पर कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ पीठ पीछे गाली देंगे और थूकेंगे। एहसान किया मेरे पे है ना? मेरे दादू की अर्थी उठा दी, गुंडों से मेरी इज्जत बचा ली, इस खोली में लाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। अभी क्या है मैं? ये गुंडे की रखेल? नहीं, नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा एहसान। सुना, मैं रात दिन काम करूंगी और तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। जवान जहान लड़की में घर बसाकर बैठने की उम्र में घर घर डब्बा पहुंच जाती हूँ। मेरा बुढ़ा दादू मरते दम तक काम करता था, मेहनत पसीने की दो रोटी कमाकर तब खाता था। अब तुम दूसरों की मेहनत के पैसे छीनकर मजा करते हो और अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते हो, तो क्या खुशी से देते तेरे को? हाँ, अरे गरीबों की हाय लगी होती है उसमें, लाख लाख बद्दुआएं होती है एक एक पैसे पर। जहर खाएगी मैं अगर इस घर का एक दाना भी मुंह में डाला तो। मैं जाती अभी इसी वक्त। सुना, चाहे टांग तोड़ दो चाहे जान से मार डालो, मैं अभी इधर एक मिनट नहीं रुकेगी, जाएगी मैं किधर भी। चरण, उसको बोल अंधेरा होने वाला है, रात को शरीफ लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, जाना है तो सुबह चली जाए। बहुत बहुत कड़वा बात बोल दिया तुमने आज राजा भैया को। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, पर एक बात मैं सच्चे दिल से बोलूंगा, बुरा आदमी नहीं है वो कोई गुंडा पैदा नहीं हुआ था। मैं जानता हूं उसको, मैं और वो दोनों गांव से शहर काम की तलाश में आए थे, काम नहीं मिला हमको, सिर्फ फांके मिले, दर दर की ठोकरें मिली। एक बार तो हम चार दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे, हाथ फैलाते गिड़गिड़ाते, लेकिन लेकिन किसी को भी हम पर तरस नहीं आया। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते। नमस्ते। कुछ काम मिलेगा क्या? कोई काम नहीं है। सब कुछ भी कर लेगा, बर्तन धो देगा, झाड़ू बुहारी लगा देगा। अरे भाई कहा ना कोई काम नहीं है। सेठ साहब, चार दिन से अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं गया। अरे यहाँ कोई लंगर लगा हुआ है क्या? भाग जा यहाँ से, भाग जा साले। धंधा बंदा नहीं होता, अबे ना ना, पांच रुपए से क्या होता है? ओए
ये क्या? धंधा नहीं हुआ है। तुम्हारा धंधा नहीं हुआ तो साले बुजुर्ग से क्या लेना देना है? उल्लू के पट्टे चले आते यहाँ छावनी लगाने के लिए। हट। धंधा नहीं हुआ साले का। अबे लाला, बिना मांगे देगा नहीं क्या? ये रखो। हाँ। कैसे नारियल बिक रहे हैं? केले वेले भी बिक रहे हैं ना? अच्छा है। अरे अबे ओए हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। जीना हराम कर दिया था इन हरामजादों ने। एक-एक करके दो बस। जब हाथ फैलाए तो सिवा गालियों के कुछ नहीं मिला, और जब हाथ उठाया तो रुपया बरसने लगा। मैं जानता हूं अपने राजा भैया को, अच्छी तरह जानता हूं। दिल का हीरा है वो, हीरा। लक्ष्मी, 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 राजा भैया रात घर पे आए नहीं। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया, कहां गए होंगे? मैं देख के आता हूं।
चरण भैया, तो सुबह सुबह तुम यहाँ? राजा भैया को ढूंढ रहा हूँ, कल से उनका कुछ पता ही नहीं है। आपने देखा है क्या? नहीं, ये लो तुम्हारा हफ्ता। रसीली भाई, रसीली भाई, और रसीली भाई, क्या बात है इतनी रात गए? राजा भैया को कहो चरण आया बुलाने। राजा? वो तो यहाँ नहीं आया। अरे बोला ना वो यहाँ नहीं है, लेकिन हुआ क्या? वो कुछ नहीं। पूरा शहर छान मारा, सुबह से रात हो गई, राजा भैया कुछ पता ही नहीं चला। लक्ष्मी बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है? थोड़ा सा दाल चावल ला दो, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। है खिचड़ी? तुम बनाओगी घर में? अरे फिर तो मैं प्याज और मसाला भी लेकर आता हूँ। लक्ष्मी तू भी खा लेना, भूख लगी होगी, खा ले खा ले। ये अभी तक गई नहीं। क्या राजा भैया, ये भी कोई तरीका है? ना बताया ना कुछ, घर से चले गए। कल रात से किसी ने भी कुछ नहीं खाया, पता है? अच्छा पहले कुछ खा लो फटाफट, फिर बताना। गर्मा गर्म खिचड़ी है, लो खाओ ना, बहुत गर्म है। राजा भैया ये बताओ कल गए कहां थे तुम? चल रहे बकबक बंद कर और गिरिस लगा चल। अब बताओगे भी ये हाथ गाड़ी की मरम्मत हो किस लिए रही है? चलाने के लिए और किस लिए? क्या कौन चलाएगा? तुम चलाओगे? क्यों, इतने सारे लोग चलाते हैं, मैं क्यों नहीं चला सकता? दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने, हराम का खाते, मेहनत नहीं कर सकता हाँ? साली छटाक भर की छोकरी और सबान डेढ़ गज की। राजा भैया। अरे क्या राजा भैया, खड़े खड़े मुंह मत देख, चल गिरिस लगा। जल्दी से एक नारियल, हार, अगरबत्ती और कफूर दे दो। देती हूँ, ये लो। ए खड़े खड़े मुंह मत देख, पेंट लगा।
चलो राजा भैया। ये रहा पता, सामान आठवीं गली में पहुंचाना है, वो तुमको देगा 15 रुपए, 3 रुपए मेरे अलग कर लेना, बाकी सब तुम्हारे। क्या ठीक है मुंशी जी, बस आप ऐसे ही काम दिलवाते रहिए, भगवान आपका बहुत भला करेगा। नहीं समझे, अरे भाई मेरी जानकारी के बगैर ना सामान यहाँ आ सकता है और ना यहाँ से जा सकता है। समझ गए मुंशी जी, समझ गए, आपके 3 रुपये अलग से रख देंगे। बिल्कुल ठीक समझे, तो लो भगवान का नाम और शुरू करो काम। क्या मेहनत कर अपनों के लिए, तू कर मत कर भगवान की पूजा, किस्मत जिसको कहती है दुनिया, मेहनत का ही नाम है दूजा, दुनिया में तेरा काम आएगा तेरे काम, ये तो जीवन चक्र है, गोल दुनिया गोल पहिया, चलते रहना सुबह शाम, चलना है तेरा काम चाहे कुछ हो अंजाम, ये तो जीवन चक्र है, गोल दुनिया गोल पहिया, चलते रहना सुबह शाम। अंग बहुत दुख रहा है क्या? हाथ गाड़ी खींची ना, इसलिए दादू का दुखता था, गर्म पानी आंख पे डाल के सेंक देती थी, अब तुम्हें भी गर्म पानी देती है। बनियान तो निकालो। इतना दिन हराम खोरी की ना, तो आदत छूट गई काम करने की, 2-4 दिन में सब फिर से बरोबर हो जाएगा।
राजा भैया। अरे गाड़ी खींचते वक्त हाथ फिसल जाता है, कितना तेल लगा देती हो? तभी तो छाले इतने जल्दी ठीक हो गए। रात खाने में क्या बनाओ? कुछ भी, जो भी मैं अपने हाथों से खा सकूं। एक देगा ना मुंह पे? कितना बिल हुआ? 2981 में। ये लो, ये 3000 है। नहीं नहीं, चेंज की कोई जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, मेरा सामान पैक करके रखवा दीजिए, मुझे कुछ खरीदारी और भी करनी है, लौटते वक्त मैं अपना पैकेट ले लूंगी। चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा मैडम, आप ही की तो दुकान है। थैंक यू। सॉलिड पार्टी है भाई साहब। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है भाई, समझे ना? ओ आइए मैडम। अरे मैडम का पैकेट था? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैंने और भी सामान खरीदा है, उसे भी साथ रखवा लीजिए। कल जाते जाते मैं सारा सामान एक साथ उठवा लूंगी, अगर आपको परेशानी ना हो तो। परेशानी की क्या बात है मैडम, ये तो आगे की दुकान है ना। थैंक यू। अरे भाई सुनो, सामान अंदर ले आओ ना। आहिस्ता आहिस्ता संभाल के। हाँ उधर, हाँ उधर, आगे आगे। अरे इतना बड़ा बक्सा। कांच का सामान है, झाड़ फानों से। वैसे सुबह आपकी दुकान कितने बजे खुलती है? ठीक 9 बजे मैडम। तो फिर ठीक है, मैं फोन करके आ जाऊंगी। वेलकम। आपका नंबर? ओ, लीजिए। आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना? तकलीफ कहे की मैडम, आप ही की दुकान है। साड़ी अच्छी लगी? दिन क्यों बे? मैं भी तो हूँ। अरे घूर रहा था साला हरामी का पिल्ला। अपना शक्ल अच्छा दिखता ही है तो लोग देखेंगे ही। तुम के सबके आगे फोड़ डालोगे? और नहीं तो क्या, सबके आगे फोड़ डालूंगा। काय को?
शरीफ आदमी बन गए लाए, मेहनत की कमाई करने वाला। अरे जब तक ये मारामारी नहीं करेगा इसके पेट का पानी थोड़ी पचने वाला है। बात करता है। तू क्यों हंसा बे? हेलो, घोड़ों का अस्पताल। हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। दो नंबर की भैंस को इंजेक्शन लगवा दिया है, आपको भी लगवाना है? क्या बकवास लगा रखी है बेवकूफ, मैं बोल रही हूँ। आ गई ना आप चक्कर में। अरे मैं तो जरा होशियारी से काम ले रहा था, ताकि किसी और का फोन हो तो रॉन्ग नंबर समझ के गाली देकर काट दे। ठीक है ठीक है, अब जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले दुकान में जितने ग्लासेस है सब निकाल के बक्से में डाल। लेकिन ये ग्लासेस तो बार बार आने में मिलते हैं। अरे अपनी बाई तरफ देखो, बाई तरफ सारे कट ग्लासेस हैं, इम्पोर्टेड हैं। एक एक की कीमत 2 से 3 हजार रुपए है। 2-3 हजार का एक? क्या लूट मचाई है, अपने को नहीं चाहिए? अरे तुम क्या नगद पैसा देके खरीदने वाले हो? ओ समझ गया तेल लगा के। अब देखो उसके आगे ज्वेलरी रखी है, गहने। कमाल है, आपको फोन में भी दिखाई देता है। अरे यही तो अपना धंधा है मिस्टर। जब दुकान में गई थी ना तब सब देख कर आई थी। अच्छा सुनो, बाई तरफ की रैक में सारी कीमती चीजें रखी हैं, सभी उठा लेना। आप क्या इन चीजों के लिए कैश दे रही हैं? बेवकूफ, मान गया आपको, आप सचमुच कमाल की औरत है। अच्छा अच्छा, मैं सुबह 9 बजे आऊंगी, लेकिन तुम 9:45 बजे तक सारे सामान के साथ वापस बक्से में बंद हो जाना, ओके? अरे बाप रे, टाइम हो गया। तो अंदर ये इधर और इसको इधर। देखो भाई सेठ जी आ रहे हैं, कोई भी काम पे नहीं जाएगा। दुकान नहीं खुलेगी मतलब? मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। अरे 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 अरे, ऐसा जुल्म मत करो पापियो, किसी गरीब की बद्दुआ लगेगी तेल लगा के। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों ने अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? मैडम हम लोग अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही दुकान खुलेगी। लेकिन कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जी कल रात को ही हम लोग ने मीटिंग करके ये फैसला किया है। कोई कायदा कानून है कि नहीं तेल लगा के? हैं? आप 24 घंटे की नोटिस दिए बगैर कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ये गैर कानूनी है, ये गलत है। गलत हो या सही, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए मेरा सामान अंदर बंद है, मुझे उसकी फिक्र है। फिक्र की कोई बात नहीं मैडम, आप ही की दुकान है, आपका कांच का सामान बिल्कुल ठीक ठाक रखा हुआ, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। अरे उस भाई की बात मान लो प्लीज। वैसे आप लोग कब तक फैसला करेंगे? बहुत जल्द मैडम, हमारे लीडर दिल्ली गए हैं ना मिनिस्टर साहब से मिलने। दिल्ली? जी हाँ, कल परसों तो आ जाएंगे। ठीक है तो मैं परसों फिर आ जाऊंगी। जरूर आइए मैडम, ये आप ही की तो दुकान है। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ। Thank you.
Thank you.
Thank you.